हे गाइस दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द डाइल्यूएंट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स। अकेशिया, टैल्क, सुक्रोज, लैक्टोज। कौन सा डाइल्यूएंट यूज करते हैं इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स? तो डाइल्यूएंट्स होता है लैक्टोज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आइडियल डाइल्यूएंट होता है लैक्टोज, मिल्क शुगर होता है लैक्टोज, अकेशिया होता है इमल्सिफाइंग एजेंट, मोस्ट वाइडली यूज्ड इमल्जेंट होता है अकेशिया। टैबलेट सब कोटिंग में यूज करते हैं अकेशिया का। टैल्क क्या होता है? ग्लाइडेंट होता है। 1 to 2% टैल्क का यूज करते हैं एज ए ग्लाइडेंट। किस लिए यूज करते हैं ग्लाइडेंट्स का? टू एनहांस द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन अस्थमा, हेडेक, फीवर, टैकीकार्डिया। एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन, तो ये हो जाएगा अस्थमा, ऑप्शन ए। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एंटीप्लेटलेट एजेंट होता है, रेज सिंड्रोम कॉज कराता है, स्मॉल डोसेज में एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट विद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी इज ट्रीटेड विद डैप्सोन, ही विल सफर फ्रॉम। इफ G6PD डेफिशिएंसी पेशेंट इज ट्रीटेड विद डैप्सोन देन ही विल सफर फ्रॉम hemolytic anemia, pernicious anemia, diarrhea, none of the above. तो patient with G6PD deficiency if treated with Dapsone then he will suffer from hemolytic anemia. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये Dapsone होता है एंटी लेप्रेसी ड्रग। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विथ H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, D2 एंटागोनिस्ट, 5-HT एंटागोनिस्ट। पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं H2 एंटागोनिस्ट का, ऑप्शन बी। H2 एंटागोनिस्ट होते हैं रैनिटिडीन, फैमोटिडीन, सिमेटिडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग प्रिपरेशंस विच वन विल बी द मोस्ट इरिटेटिंग टू द आई? प्यूरिफाइड वाटर, 0.7% NaCl सोल्यूशन, 0.9% NaCl सोल्यूशन, 1% NaCl सोल्यूशन। मोस्ट इरिटेटिंग टू दी आई, तो ये होता है प्यूरिफाइड वाटर, ऑप्शन ए। प्यूरिफाइड वाटर होता है मोस्ट इरिटेटिंग टू दी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन? डाइजेपैम, क्लोनाजेपैम, फ्लूराजेपैम, मिडाजोलम। नॉट ए लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन, तो मिडाजोलम नहीं होता लॉन्ग एक्टिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी डाइजेपैम, क्लोनाजेपैम, फ्लूराजेपैम ये तीनों आते हैं लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज द ब्लॉकेड ऑफ पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल, ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो ये ब्लॉक कराते हैं सोडियम चैनल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल। देन प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक का? तो सेल मेम्ब्रेन होता है। देन लोकल एनेस्थेटिक यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, टेट्राकेन, नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक, कोकेन, यूनिवर्सल लोकल एनेस्थेटिक, लिग्नोकेन विच इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टिव अल्फा-2 एंटागोनिस्ट? क्लोनिडिन, प्राइजोसिन, पेंटोलामाइन, योहिम्बिन। सिलेक्टिव अल्फा-2 एंटागोनिस्ट, तो ये होता है योहिम्बिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following enzymes catalyzes the formation of uric acid from purines? Urease, monoamine oxidase, uricase, xanthine oxidase. Enzyme catalyzes the formation of uric acid from purine. तो xanthine oxidase होता है, ऑप्शन डी। xanthine oxidase catalyze करता है formation of uric acid from purine. ठीक है, next question. Inventory is a निग्लिजिबल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट कॉस्ट। क्या होता है इन्वेंटरी? तो ये सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ACE इनिबिटर्स आर प्रो ड्रग्स एक्सेप्ट रैमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, पेरिंडोप्रिल। इनमें से कौन सा ACE इनिबिटर प्रो ड्रग नहीं होता? एक्सेप्ट पूछा गया है, तो कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल आर नॉट प्रोड्रग्स, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल प्रोड्रग नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायरेटिक कॉजेज डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इंसुलिन? क्लोरथायजाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ट्राइमटेरिन, एसिटाजोलामाइड, इनमें से कौन सा डायरेटिक कॉज कराता है डिक्रीज इन इंसुलिन? तो इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज कराएगा क्लोरथायजाइड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरथायजाइड होता है थायजाइड डायरेटिक एंड ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है बाय डिक्रीजिंग रिलीज ऑफ इंसुलिन। देन क्लोरथायजाइड हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डायजोक्साइड, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। क्लोरथायजाइड का होता है सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डायजोक्साइड। कहाँ पे एक्ट करता है क्लोरथायजाइड? डिस्टल ट्यूबुल पे एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलुरिया एंड हिमेचुरिया आर प्रॉब्लम्स विद दिस क्लास ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, डायूरेटिक्स, सल्फोनामाइड्स, सेफेलोस्पोरिन्स, एंटीबायोटिक्स। तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है क्रिस्टलुरिया कॉज कराते हैं सल्फोनामाइड्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज गिवन इन शेड्यूल F1, F2, F3, FF। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस शेड्यूल FF, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आते हैं शेड्यूल FF में। F1 स्टैंडर्ड्स फॉर एडवर्टाइजिंग एंटी सेरा, एंटीजन एंड वैक्सीन्स। F2 स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। F3 स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टैप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not direct tax? Sales tax, estate tax, corporation tax, wealth tax. Not a direct tax. तो इसमें sales tax नहीं आता, option A will be your correct answer. Estate tax, corporation tax, wealth tax ये सभी होते हैं direct taxes. Next question. All of the following NSAIDs are safe to be used in children except aspirin, acetaminophen, indomethacin, ibuprofen. इनमें से कौन सा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग चिल्ड्रन में सेफ नहीं होता? एक्सेप्ट पूछा गया है, तो एस्पिरिन सेफ नहीं होता टू बी यूज्ड इन चिल्ड्रन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पिरिन कॉज कराएगा रेस सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, ये होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। देन एसिटामाइनोफेन के पॉइजनिंग में क्या यूज़ करते हैं? एन एसिटाइल सिस्टीन। इंडोमिथासिन क्या है? तो ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट गाउट, इंडोर रिंग कंटेनिंग एनसेड होता है इंडोमिथासिन। देन आइबुप्रोफेन फोटोसेंसिटिविटी कॉज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनल प्रोडक्ट्स आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग, गैसीय स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन, आयनाइजिंग रेडिएशन। किससे स्टरलाइज किए जाते हैं हार्मोनल प्रोडक्ट्स? तो इसके लिए यूज करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन का, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हार्मोनल प्रोडक्ट्स, देन थर्मोलेबाइल मेडिकेशंस, प्लास्टिक ट्यूबिंग्स, देन कैथेटर्स, सूचर्स, देन हाइपोडर्मिक नीडल्स, इन सब के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन का, ठीक है। ये ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, इसमें ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। सर्जिकल ड्रेसिंग्स, आईवी फ्लूइड्स के स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं ऑटोक्लेविंग का। 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है फॉर 30 मिनट्स। ये गैसीय स्टरलाइजेशन आता है केमिकल मेथड में। फॉर्मल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस, पाउडर्स, ऑपरेशन थिएटर्स, देन एसेप्टिक रूम्स, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, इन सब के स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं गैसीय स्टरलाइजेशन का। हॉट एयर ओवन, यह होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसका प्रिंसिपल क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। इसका यूज करते हैं ग्लासवेयर, सीजर्स, स्कालपेल, सल्फोनामाइड्स के स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम विच इन्वॉल्व इन द कन्वर्शन ऑफ कैसिनोजन टू कैसिन इज रेनिन, एप्सिन, पेप्सिन, सुक्रेज। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है इन द कन्वर्शन ऑफ कैसिनोजन टू कैसिन? तो ये होता है रेनिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सार्कोमा, सलाइवेशन, सैलिसिलिज्म, गैंग्रीन। पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन, तो ये सैलिसिलिज्म होता है, ऑप्शन सी। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन कॉजेस रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a systemic aminoglycoside? Streptomycin, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन. Not a systemic aminoglycoside. तो नियोमाइसिन सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. बाकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन ये तीनों आएंगे सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड में. ये स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग. प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन में, क्यों? बिकॉज ये ऑटोटॉक्सिक होता है टू फीटस. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, देन नेटलीमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, देन टोब्रामाइसिन, कैनामाइसिन. एंड ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कॉज कराते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी. देन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये इनिबिट कराते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S राइबोसोमल सब यूनिट. इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S राइबोसोमल सब यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्लिनिकल ट्रायल्स डिटेल्स आर गिवन इन शेड्यूल पी, शेड्यूल एच, शेड्यूल वाई और शेड्यूल एस. तो क्लिनिकल ट्रायल्स शेड्यूल वाई, ऑप्शन सी. शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, शेड्यूल एच लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, शेड्यूल एस स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलिक एसिड इज डैश डेरिवेटिव पायरिडीन, टेरिडीन, पिपरिडीन, थायाजोल. क्या होता है फॉलिक एसिड? तो टेरिडीन डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन बी. फॉलिक एसिड एंटागनिस्ट क्या होता है? तो मिथोट्रिक्सेट होता है. ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट मिथोट्रिक्सेट. टेरिडीन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है मिथोट्रिक्सेट. एंटी कैंसर, एंटी मेटाबोलाइट होता है मिथोट्रिक्सेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. डायोजेनिन इज एन एल्केलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायोस्कोरिया, ए कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम डायोस्कोरिया, ए ग्लाइकोसाइड फ्रॉम डायोस्कोरिया, नन ऑफ द अबव. क्या होता है डायोजेनिन? तो ये ग्लाइकोसाइड होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायोस्कोरिया, ऑप्शन सी. डायोस्कोरिया आता है सैफोनिन ग्लाइकोसाइड्स में, इसकी फैमिली होती है डायोस्कोरियासी. सिनोनिम क्या है? याम. बायोलॉजिकल सोर्स डायोस्कोरिया डेल्टॉइडिया. यूजेस क्या होते हैं? तो रूमेटिक आर्थराइटिस में यूज करते हैं, इसलिए डायोस्कोरिया को रूमेटिज्म रूट भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. डोज डंपिंग में बी ए जनरल प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, सपोज इट इज मॉडिफाइड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट, नन ऑफ द अबव. तो डोज डंपिंग में भी ए जनरल प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडिफाइड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट, ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मा हॉन्ग इज द सिनोनिम ऑफ विच ड्रग? बेलाडोना, ओपीएम, इफेड्रा, इपेकैक. मा हॉन्ग तो ये होता है इफेड्रा, ऑप्शन सी. इफेड्रा आता है अमाइनो एल्केलॉइड्स में, इसकी फैमिली होती है नेटैसी. ये ब्रोंकोडायलेटर होता है, माइट्रियाटिक होता है, नेजल डिकंजेस्टेंट होता है, एंड इसका मा हॉन्ग सिनोनिम होता है. ठीक है, बेलाडोना किस में आता है? ट्रोपेन एल्केलॉइड्स में आता है. सिनोनिम क्या है? डेडली नाइट शेड लीव. फैमिली क्या होती है? सोलेनेसी. ओपीएम किस में आएगा? आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स में आता है, फैमिली पापावेरेसी होता है. बायोलॉजिकल सोर्स होता है पापावर सोमनीफेरम. कफ सप्रेसेंट होता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है. ठीक है, इपेकैक किस में आता है? तो ये भी आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड होता है, रूबियासी फैमिली होती है. इसका यूज करते हैं अमीबिक डिसेंट्री में, एंड ये इमेटिक होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेसमेकर ऑफ हार्ट इज एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ इज पुरकिंजे फाइबर्स. तो पेसमेकर ऑफ हार्ट एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है. एंड नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम एसए नोड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Displacement value is calculated for the preparation of suppositories, emulsions, ointments, tablets. Displacement value तो ये कैलकुलेट किया जाता है for the preparation of suppositories, option A. Then most frequently asked question होता है vaginal suppositories are also known as pessaries. ठीक है, next question. Anesthetic that has smooth induction is diethyl ether, isoflurane, N2O, halothane. N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड. तो इनमें से किसका होता है स्मूथ इंडक्शन? तो ये होता है हेलोथेन का, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. हेलोथेन होता है जनरल एनास्थेटिक एंड इट हैज स्मूथ इंडक्शन. देन इसका होता है यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन. देन हेलोथेन हैज सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेशन प्रॉपर्टी. यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट कराता है हेलोथेन, एंड इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Select an endocrine drug which is steroidal derivative. Gonadorelin, insulin, levothyroxine, hydrocortisone. Endocrine drug which is a steroidal derivative. तो स्टेरॉयडल डेरिवेटिव हाइड्रोकॉर्टिसोन ऑप्शन डी. ये होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी इज एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन. क्या होता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी? तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है, ऑप्शन डी. ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Schick test is performed to test the degree of immunity against tuberculosis, tetanus, rabies, diphtheria. किस लिए यूज करते हैं Schick test का? तो हमने देखा था Schick test, Ilex test, ये होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डिप्थेरिया. सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. Schick test, Ilex test, identification test for diphtheria. डिप्थेरिया अफेक्ट्स मोस्ट कॉमनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सिस्टेमिक एसिडिफायर? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसिटेट. सिस्टेमिक एसिडिफायर तो ये अमोनियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. देन सिस्टमिक अल्कलाइजर कौन से है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म प्राइमोमेने एज डायरेक्टेड ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग नाइट अर्ली इन दी मॉर्निंग. प्राइमोमेने तो ये होता है अर्ली इन दी मॉर्निंग, ऑप्शन डी. ड्यूरिंग नाइट क्या होता है? होरा सोमनी, HS. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द एंटी इपिलेप्टिक ड्रग दैट इज इफेक्टिव इन मैनिक डिप्रेसिव इलनेस एज वेल. इथोसक्सिमाइड, प्राइमिडोन, फिनोबार्बिटोन, कार्बामाजेपाइन. ड्रग दैट इज इफेक्टिव इन मैनिक डिप्रेसिव इलनेस एज वेल. जो एंटी इपिलेप्टिक भी होता है एंड इसे यूज करते हैं मैनिक डिप्रेसिव इलनेस में, तो ये होता है कार्बामाजेपाइन, ऑप्शन डी. कार्बामाजेपाइन इज ऑल्सो यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स एंड ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया. ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्बामाजेपाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी? PTC का सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर, फार्मासिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर, चीफ फिजिशियन. तो फार्मासिस्ट होता है PTC का सेक्रेटरी एंड चीफ फिजिशियन होता है चेयरमैन ऑफ PTC. ठीक है, फार्मासिस्ट, सेक्रेटरी ऑफ PTC, चीफ फिजिशियन, चेयरमैन ऑफ PTC. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटी इपिलेप्टिक्स यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स आर कार्बामाजेपाइन एंड वालप्रोएट, फिनिटोइन एंड वालप्रोएट, कार्बामाजेपाइन एंड फिनिटोइन, डायजेपैम एंड क्लोरप्रोमाजिन. कौन से एंटी इपिलेप्टिक्स का यूज़ किया जाता है एज एन एनाल्जेसिक्स? तो ये होते हैं कार्बामाजेपाइन एंड फिनिटोइन, ऑप्शन सी. कार्बामाजेपाइन एंड फिनिटोइन आर ऑल्सो यूज एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Modified bond trackers test are used to identify which type of anthraquinone glycosides? O glycosides, N glycosides, C glycosides, S glycosides. Modified bond tracker test तो इसे यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ C glycosides, ऑप्शन C. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 डील्स विथ एलोपैथिक मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स, मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स. शेड्यूल M1 तो M1 में आता है होम्योपैथिक मेडिसिन्स, ऑप्शन बी. ये शेड्यूल M होता है GMP के लिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एंड M1 होता है होम्योपैथिक मेडिसिन्स के लिए, M2 होता है कॉस्मेटिक्स के लिए, M3 होता है मेडिकल डिवाइसेस के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटी एस्ट्रोजन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. Tamoxifen, ibuprofen, naproxen, clomifen. Anti-estrogen used for treatment of infertility. तो ये clomifen होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ये clomifen ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कराता है एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, प्रोटेक्टिव्स. locally applied protein precipitants. तो ये astringents होते हैं. ऑप्शन ए. मोस्ट कॉमनली यूज एस्ट्रिंजेंट होता है एलम. देन जिंक क्लोराइड इज ऑल्सो यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग इमिजिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, पायरोजेंस. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो इसका यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स. ऑप्शन बी. वोलेटाइल ऑयल्स के लिए यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का. इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय सिंपल स्टीम डिस्टिलेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन अनकोटेड टैबलेट मस्ट डिजोल्व विद इन 30 minutes, 15 minutes, 45 minutes, 60 minutes. एन अनकोटेड टैबलेट कितना होता है? अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम तो ये 15 मिनट्स होता है. ऑप्शन बी. 30 मिनट्स डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर फिल्म कोटेड टैबलेट्स. 60 मिनट्स डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट्स. देन एंटरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. कितना होता है? 2 to 3 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 grain इज इक्विवेलेंट टू 1 gram, 100 mg, 65 mg, 1 mg. तो 1 grain होता है 65 mg. ऑप्शन सी. एंड 1 gram होता है 15 grains. ठीक है. 1 grain 65 mg, 1 gram 15 grains. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी पिंट्स मेक 1 gallon? 2, 8, 10, 12. तो 1 gallon में होते हैं 8 पिंट्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. गैलन का सिंबल क्या होता है? सी. 1 gallon में होते हैं 8 पिंट्स एंड 1 gallon में होते हैं 160 फ्लूइड आउंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन इज मिथाइलफेनिडेट, निकेटामाइड, कैफीन, क्लोनाजेपैम. तो हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मिथाइलफेनिडेट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ये मिथाइलफेनिडेट होता है साइकोस्टिमुलेंट एंड ये प्रोड्यूस कराता है पैराडॉक्सिकल इंप्रूवमेंट इन लर्निंग एंड बिहेवियरल एबिलिटीज़ एंड इसलिए इसे यूज करते हैं हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन में. निकेटामाइड क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है. कैफीन क्या होता है? 137 ट्राईमिथाइल झैंथीन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Suspensions cannot be administered by intravenous route, intradermal route, subcutaneous route, intramuscular route. Suspension cannot be administered by. इनमें से कौन से रूट से सस्पेंशंस को नहीं दिया जा सकता? तो ये होता है आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट. ऑप्शन ए. लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट एंड आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, मैक्सिमम होती है. ठीक है. Then oily solutions can be injected by intramuscular route, IM route. subcutaneous route से दिया जाता है इंसुलिन. इंट्राडर्मली दिया जाता है BCG वैक्सीन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग कंटेनिंग एनी फिल दी पुट्रीड और डीकम्पोज सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पूरियस ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, सबस्टैंडर्ड ड्रग. ड्रग कंटेनिंग एनी फिल दी पुट्रीड और डीकम्पोज सब्सटेंस तो ये होता है एडल्ट्रेटेड ड्रग. ऑप्शन बी. What is spurious drug? तो drug has been substituted wholly or in part by another drug or substance. यह होता है spurious drug. Misbranded drug? If it is not labelled in the prescribed manner and misbranded drugs are prohibited to be imported. ठीक है. Next question. The part of the prescription comprising direction to the pharmacist is signature, inscription, superscription, subscription. पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट तो डायरेक्शन टू दी फार्मासिस्ट आता है सब्सक्रिप्शन में. ऑप्शन डी. सुपरस्क्रिप्शन होता है RX, टेक दो, टेक दी फॉलोइंग, यू टेक. इंस्क्रिप्शन नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग. सिग्नेचर डायरेक्शन टू पेशेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स फॉर्म सोपी सोल्यूशन इन वाटर? सैपोनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स. इनमें से कौन फॉर्म कराता है सोपी सॉल्यूशन इन वाटर? तो ये सैपोनिन्स होते हैं. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स फॉर्म सोपी सॉल्यूशन इन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर मेंट फॉर रिटेलर, पेशेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, फिजिशियन. तो एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर मेंट फॉर फिजिशियन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. फिजिशियन के लिए होता है एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स. ठीक है. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.